आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई बेचारी फुलिया एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने हर खुआ की छोकरी। आ रही है सामने हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। चल रही है छंद आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनोलिका। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की मुरझाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को वह वाचाल थी आज कैसी मौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओशारे में बिछाई खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत में, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली कोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। हौनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब्र का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाल दें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सोजा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक भी ठाकुरों के कान में, बेहिकट्टे हो गए सरपंच के ढालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की नोक पर, देखिए सुखराम सिंह बोले है खैनी ठोक कर। देख रिए सुखराम सिंह बोले है खैनी ठोक कर। कहे क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हर जन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप सा मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, ना पट्टे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसका हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो था मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने से रही। जानते हो आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नापती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताप सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान में प्रजोर था,
रात जो आया ना, अब तूफान में प्रजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बैंत की लाठी हाथ संभाले थे, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ रे। ढेर के कहा बस्ती को हलके के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी मारी लाठी दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसा चोरी कैसा माल, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी। होश फिर जाता रहा, होश खोकर भय पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह पर थूक दो, आग लगाओ और इनकी झोंपड़ियां भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ियां जलने लगी। दूध मुहा बच्चा बुड्ढा जो वहां बेड़े में था, वह हवागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वह होश को खोने लगा, कुछ भी मन ही मन मगर कुछ और जोर से रोने लगा। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतना इतराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतना इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दे दूं कोई कहीं जाए नहीं। दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वह मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहीं तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं अब जेल है। पूछते हैं कैसे हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का ये हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नम्रता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकारों को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाओ में, गांव जिसमें आज पांचाली उजाड़ी जा रही है, या हिंसक की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। दोस्तों यह जो कविता है अदम्ब गौड़वी जी की है, और अदम्ब गौड़वी जी समाज की गहराइयों में जाकर इस देश की वास्तविक स्थितियों को, ऐसी स्थितियां जो कि जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी इस देश में, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ शोषण और अत्याचार करता था, उन अत्याचार और शोषण को अदम्ब गौड़वी जी अपनी कविताओं के माध्यम से, भावनात्मक तरीके से इस देश की आत्मा को कुरेदते हुए अपने शब्दों में कविता के माध्यम से रूपांतरित करते थे। अदम्ब गौड़वी जी उस समय की जो शोषणकारी दमनकारी जो शक्तियां थी उनके खिलाफ लिखते थे, उन्होंने समाज में नई चेतना जागृत करी और ऐसे विषयों को इस देश के पटल पर रखा जो इस देश की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी था। ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे, उन लोगों के जहन को चिंगारी से आग लगाने के लिए अदम्ब गौड़वी जी की यह कविता, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, ये मैंने आप लोगों के सामने बोली है। अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार साथियों।